जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय पत्थर है जिसमें देश का प्यार नहीं। परेड निरीक्षण में मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासक माननीय श्री विष्णुदेव साय जी के साथ हैं, कलेक्टर बस्तर आदरणीय श्री विजय दयाराम के और पुलिस अधीक्षक बस्तर आदरणीय श्री शशि मोहन सिंह। सामने सुसज्जित 14 प्लाटून, प्लाटून कमांडर अपनी विशेष मुद्राओं में परेड का कमांड कर रहे हैं। परेड कमांडर डीएसपी राहुल शर्मा और सेकंड परेड कमांडर हैं निरीक्षक श्री गणेश राम यादव। छब्बीस जनवरी 1949 को संविधान पारित होने के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का गणतंत्र के रूप में उदय हुआ। वंदे मातरम और भारत मां की जय के उद्घोष के साथ संसद भवन गूंज उठा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयासों का परिणाम देश का लिखित और सबसे लंबा संविधान। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, यह अनोखी जीत हम सब याद रखेंगे, ये अनोखी जीत हम सब याद रखेंगे जो हमने अनोखी विधा से हासिल की। आइए आज इस गौरवशाली अवसर पर देश के तमाम शहीदों को नमन करते हुए ये संकल्प लें, एक दिन भी जी मगर तू ताज बनकर जी, एक दिन भी जी मगर तू ताज बनकर जी, अटल विश्वास बनकर जी, अमर युगगान बनकर जी। लालबाग का ये ऐतिहासिक मैदान रंगोली के सुंदर रंगों से धरा को प्रफुल्लित करता, चारों ओर तोरणों से सजा एक नई आभा, एक नए विश्वास को समेटे हुए भारत के ये सच्चे सपूत जो आज विशेष पोशाकों में सजे हुए 14 प्लाटून में पंक्तिबद्ध। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हैं मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन माननीय विष्णुदेव साय जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, पहले प्लाटून के समीप पहुंचते हुए पहला प्लाटून सीआरपीएफ 241 बटालियन सेडवा उप निरीक्षक रजत ठाकुर के नेतृत्व में दूसरे क्रम में है सीआरपीएफ 80 बटालियन उप निरीक्षक वी चंद्रन का कमांड। तीसरे क्रम में 5वीं बटालियन छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल प्लाटून कमांडर है नागेश्वर मिश्रा। चौथा प्लाटून 19वीं पोखरण वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल करनपुर नेतृत्व कर रहे हैं जगदीश नेताम। अगला क्रम जिला बल बस्तर फाइटर्स पुरुष नेतृत्व करता है उप निरीक्षक रवि कुमार बैगा। अगले क्रम में जिला बल बस्तर फाइटर्स महिला कमांड कर रही हैं उप निरीक्षक नेश्वरी नरेटी। अगले क्रम में नगर सेना का सुशील कुमार साहू के नेतृत्व में प्लाटून।